हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 13 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद हार चुका होता है। सो स्टे फाइटिंग, किसी दूसरे से लड़ाई नहीं करना है, आपका जो जुनून है उसके साथ फाइट करते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फाइट करते रहना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं लेक्चर 13 को। लास्ट लेक्चर तक हमने समझा है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम को, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे पुल, फ्लो एंड पुल। जस्ट इन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में फ्लो का क्या मतलब है और पुल का क्या मतलब है, पुल प्रोडक्शन सिस्टम। सो आइए सबसे पहले समझते हैं फ्लो क्या है। फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो। इन फ्लो मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट प्रोग्रेस थ्रू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट स्टॉपिंग लाइक वाटर इन ए रिवर, हिंस द टर्म फ्लो। देखिए होता क्या है, एक ट्रेडिशनल हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग किसी भी मशीन में पार्ट्स को जो प्रोड्यूस करते हैं एक बैच में करते हैं, और ऑपरेशन वाइज मींस एक ऑपरेशन से सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन, जब तक वो कंप्लीट होता है डिफरेंट स्टेशंस में कंप्लीट बैच को मूव करते हैं। इसे ही कहा जाता है बैच प्रोडक्शन सिस्टम। वेयर एज इन लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारी कोशिश होती है एक कंपोनेंट को बनाया जाए एक स्टेशन में और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए नेक्स्ट स्टेशन के लिए। वहां जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होता है थर्ड स्टेशन के लिए, और एक प्रोसेस कंप्लीट होते हुए सिंगल कंपोनेंट आपका टोटल प्रोसेस से फ्लो होते हुए सिस्टम से बाहर आ जाएगा। सो इसका जो फ्लो होना चाहिए इतना स्मूथ होना चाहिए लाइक वाटर इन ए रिवर, इसीलिए इसे कहा गया है फ्लो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए फ्लो में क्या होता है, अ कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट एम्स टू मूव अ सिंगल यूनिट इन ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस रादर देन ट्रीटिंग यूनिट्स एज बैचेस फॉर ईच स्टेप। देखिए आपका क्या क्या स्टेप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे आपने फोर्जिंग किया, फोर्जिंग के बाद आपने उसे शॉर्ट ब्लास्टिंग में भेजा, शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद थर्ड स्टेज में आपने उसका एनपीआई किया, कोई क्रैक तो नहीं है कंपोनेंट में, देन आप उसको मशीनिंग शॉप भेजे, मशीनिंग शॉप पे भी वेरियस ऑपरेशन में उसको जॉब को कंप्लीट किया जा सकता है, देन आप उसको भेजे लास्टली पेंट शॉप या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बहुत सारे कंपोनेंट है, फर्स्ट पेंट शॉप एंड देन मशीनिंग शॉप, जैसे प्रोसेस के मेरी रिक्वायरमेंट है। सो आप प्रोसेस टू प्रोसेस जो मूव करते हैं कन्वेंशनली हम लोग बैच में मूव करते हैं, एक पैलेट या एक बिन में जितना जॉब रखता है उसको फोर्कलिफ्ट के सहारे मूव किया जाता है। बट हमारा सिस्टम इम्प्रूव होके ऐसा होना चाहिए कि एक सिंगल पीस फ्लो में भी इस सिस्टम को अपनाया जा सके। देखिए जब हम फोर्जिंग की बात करते हैं या शॉर्ट ब्लास्टिंग की बात करते हैं, निश्चित तौर पर सिंगल पीस तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट मशीनिंग प्रोसेस के विदिन में ये फिजिबल है। और फोर्जिंग और पेंटिंग या एमपीआई के लिए एक बार में आपका जो लोडिंग हो, जैसे कि शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन में वन टाइम में आप जितना जॉब को लोड करते हैं, अगर आप उतना छोटा बैच में मूव करें सो दैट इज एडवाइजेबल, उसको भी हम फ्लो मानेंगे। द डायग्राम बिलो हेल्प्स इलस्ट्रेट हाउ दिस वर्क्स इन द लेफ्ट कॉलम वी कैन सी अ स्टैंडर्ड बैच प्रोसेस। आप लोग फिगर को देखिए, यहां लेफ्ट साइड में जो है बैच प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल है, वेयर एज राइट साइड में फ्लो सिस्टम है। इन द राइट कॉलम वी सी अ सिंगल यूनिट गो थ्रू द फ्लो एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड
as many times as necessary. This may seem to take longer, but it can actually be more time efficient. देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है. फर्स्ट में आपका बॉडी बन रहा है, ये अगर ट्रक है, गाड़ी है, कार्ट है, जो भी है, फर्स्ट पार्ट में ऑपरेशन में इसका बॉडी बन रहा है. सेकेंड स्टेप में इसमें व्हील को फिट किया जा रहा है एंड थर्ड इसका पेंटिंग किया जा रहा है. सो ओवरऑल टाइम देखिए, यहाँ बैच प्रोडक्शन सिस्टम में फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपका 21 मिनट में सिस्टम से बाहर आ रहा है, वेयर एज कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम में 3 मिनट्स में. कैसे हो रहा है देखिए, साइकिल टाइम दोनों केस में सेम है. बॉडी बनाने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है, व्हील लगाने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है पर कार्ट, और पेंट शॉप में 1 मिनट लग रहा है पर कार्ट. सो बट यहां बैच प्रोडक्शन सिस्टम में जब आप 10 का एक बैच कंप्लीट करते हैं, बॉडी बन जाता है, उसको हम नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं व्हील फिटिंग के लिए. फिर वहां 10 गाड़ी में जब आपका व्हील लगता है तो आप उसको मूव करते हैं पेंट शॉप के लिए. और पेंट शॉप में जैसे ही फर्स्ट कार पेंट होता है, कार्ट पेंट होता है आपका, देखिए वहां फर्स्ट कंपोनेंट के लिए प्रोसेस कंप्लीट है. सो 10 मिनट प्लस 10 मिनट प्लस 1 मिनट, यानी टोटल कितना मिनट लगा आपको, 21 मिनट लगा फर्स्ट कंपोनेंट को मिलने में. वेयर एज पूरे के पूरे 10 कंपोनेंट कब मिले, 30 मिनट में. वेयर एज कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट में आपका बॉडी बना, फर्स्ट मिनट में आप उसको मूव कर दिए व्हील फिटिंग के लिए. व्हील फिटिंग में 1 मिनट लगा, आप उसको मूव कर दिए पेंट शॉप के लिए. अगेन 1 मिनट में पेंटिंग हुआ और आपका फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट है. देखिए फर्स्ट कंपोनेंट आपको कितना देर में मिला, 3 मिनट में. वेयर एज जैसे ही आप बॉडी से फिट होने के बाद उसको व्हील फिटिंग के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन में भेजे हैं, आप सेकेंड कंपोनेंट का बॉडी फिटिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो हिंस इफ फ्लो कंटिन्यू रहता है और ऑल 10 कंपोनेंट को अगर हम देखते हैं तो हमको 12 मिनट में सभी 10 कंपोनेंट मिल जाते हैं. वेयर एज फर्स्ट केस में कितना था, 30 मिनट. तो आपका ओवरऑल कंपोनेंट जो सिस्टम में है उसमें सोचिए कितना ड्रास्टिकल कमी आया, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, कम होगा. ये पावर है फ्लो सिस्टम का. द प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्लो बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है, मुडा इज यूजुअली अ सिम्टम ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू फ्लो. मुडा मीन्स वेस्ट. तो जब भी आपको कहीं पे वेस्ट दिख रहा है, उस सोचिए कहीं ना कहीं फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही होता है. कहीं ना कहीं आपका फ्लो ऑब्स्टेकल्स हुआ है तो ही मुडा जनरेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वर्क इन प्रोग्रेस इन फ्रंट ऑफ ए मशीन मीन्स दैट देयर मे बी अ प्रॉब्लम विथ चेंज ओवर टाइम, दैट इज चेंज ओवर्स आर सो लॉन्ग दैट ऑपरेटर मेक्स एज मेनी पीसेस एज पॉसिबल. देखिए ओवर प्रोडक्शन या लास्ट बैच में प्रोडक्शन क्या है, वन टाइप ऑफ वेस्ट है, लेकिन ऑपरेटर कर रहा है. आपको देख के ये समझ जाना होगा अगर किसी मशीन के आगे बहुत ज्यादा कंपोनेंट पड़ा हुआ है, वो लार्ज बैच ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, मीन्स आइदर उसका चेंज ओवर टाइम बहुत ज्यादा है और मशीन अवेबिलिटी बहुत पुअर है, मीन्स ऑलवेज मशीन ब्रेक डाउन होते जाता है. सो जस्ट इन केस आपका मशीन ब्रेक डाउन हो जाए तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए पार्ट शॉर्टेज नहीं हो, इसलिए आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं. मशीन्स आर अनरिलायबल एंड द ऑपरेटर मेक्स एक्स्ट्रा पार्ट्स जस्ट इन केस. नेक्स्ट है क्वालिटी. द रिजेक्शन रेट इज हाई एंड द ऑपरेटर हैज टू मेक मोर टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट. मीन्स क्वालिटी इश्यू है, आपका प्रोसेस जो है वो कैपेबल नहीं है और रॉबस्ट नहीं है. सो क्या हो रहा, आप जो जॉब बना रहे हैं उसमें कुछ पार्ट रिजेक्ट हो जा रहा है. अब ऐसा जॉब का तो कोई मतलब नहीं है. सो आपको पता नहीं आप कितना जॉब रिजेक्ट कीजिएगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा पार्ट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि रिजेक्शन के बाद भी आपका जो प्रोडक्शन टारगेट है वो मीट हो जाए. सो ये सब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, मुड़ा है, वन टाइप ऑफ वेस्ट है. सो फ्लो में जब से ही ऑब्स्टेकल्स आया आपको समझ जाने चाहिए कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, और आपको कोशिश करनी चाहिए उस प्रॉब्लम को दूर करने की, उस प्रॉब्लम को
सरफेस पे लाने की जरूरत है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। Why focus on flow? If some problem occurs in one piece flow manufacturing, then the whole production line stops. Means अगर आपका सिंगल पीस फ्लो का अगर आपका कॉन्सेप्ट है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो किसी भी स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कंप्लीट प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पेंट शॉप में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, सो आपका चूंकि सिंगल पीस फ्लो का कॉन्सेप्ट था, तो आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग भी रुक जाएगा, उसका पहले का फोर्जिंग भी रुक जाएगा। क्यों? वो प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आगे तो फॉरवर्ड कर नहीं सकते, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। सो इफ सम प्रॉब्लम अकर्स इन वन पीस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, देन द होल प्रोडक्शन लाइन स्टॉप्स। मशीनिंग वाली को क्या होगा, मटेरियल ही नहीं मिलेगा। अगर पेंट शॉप में प्रॉब्लम हो गई और पेंट शॉप से मटेरियल फीड होता है मशीन शॉप को, तो चूंकि ये सिंगल पीस फ्लो है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है मशीन शॉप के पास, क्या होगा, आपका प्रोसेस स्टॉप। इन दिस सेंस इट इज अ वेरी बैड सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको लग रहा होगा तब तो ये बहुत खराब सिस्टम है, इससे तो बार बार मैंने आपका पूरा लाइन स्टॉपेजेस होते रहेगा। बट व्हेन द प्रोडक्शन स्टॉप्स, एवरीवन इज फोर्स्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आपकी जितनी भी वर्क फोर्स है वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्स होती है, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। सो टीम मेंबर्स हैव टू थिंक एंड थॉरो थिंकिंग टीम मेंबर्स ग्रो। आप फोर्स होते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या रूट कॉज है, और आगे ये प्रॉब्लम आए ही नहीं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वेरस जो ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास तो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री है, सो कंप्लीट प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम आया कुछ देर में करेक्ट करिए, बट नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम फिर आता है और ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट करता है, बट किसी का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि आपका कंप्लीट सिस्टम स्टॉप नहीं हो रहा है। वेयर एज इन सिंगल पीस फ्लो सिस्टम आपका कंप्लीट प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा, ये बात आप छिपा नहीं सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट तक को खबर जाएगी। तो एवरीवन इज फोर्स्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट कॉज, मींस परमानेंट उसका इलाज कर देना है। इससे क्या होता है, टीम मेंबर्स की अपनी खुद की कैपेबिलिटी ग्रो होती है, उनका नॉलेज ग्रो होता है और टीम मेंबर्स के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठता है, जो होता है ना टीम वर्क हम लोग बोलते हैं करना चाहिए। बट सारे टीम के मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, उनमें आपस में कोई टीम वर्क है ही नहीं, सो इस चीज को ये ग्रो करता है। Why is material flow important? So first है shorter throughput times. Throughput times क्या है, जितना भी टाइम कंपोनेंट सिस्टम के अंदर में बिताता है वो थ्रूपुट टाइम है। जैसे आपको रॉ मटेरियल मिला, आप स्टार्ट किए फोर्जिंग प्रोसेस से, फोर्जिंग हुआ थोड़ा देर, कहीं आप उसको वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री में रखे, वहां से मूव किया हो कहां गया, शॉर्ट ब्लास्टिंग के लिए, शॉर्ट ब्लास्टिंग से मूव किया एमपीआई से, एमपीआई से आप मूव किए पेंट शॉप से आप कहां किया मशीन शॉप से पीडीआई, देन आपके सिस्टम के बाहर आया जो कस्टमर के पास, अब आपका जॉब रेडी है, जा सकता है। मीन्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड कंपोनेंट, जितना भी टाइम कंपोनेंट सिस्टम के अंदर बिताया है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट टाइम्स। सो जब आप सिंगल पीस फ्लो करते हैं तो आपका थ्रूपुट टाइम क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट स्लाइड में, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो बैच प्रोडक्शन सिस्टम के केस में 21 मिनट में था, यानी उसका थ्रूपुट टाइम कितना था, 21 मिनट। वेयर एज इन फ्लो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम थ्रूपुट टाइम कितना था, 3 मिनट्स। सो आप देखिए थ्रूपुट टाइम्स कितना घट गया, कम हो गया। इजियर टू प्रिडिक्ट कस्टमर प्रॉमिस डेट, जब आपका फ्लो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रहेगा, आपका थ्रूपुट टाइम शॉर्टर रहेगा, तो आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप कस्टमर को कब उसका कंपोनेंट दे पाएंगे। प्रॉब्लम सरफेस फास्टर, देखिए पहले क्या होता था कि मशीन शॉप पे आने के बाद पता चलता था अगर फोर्जिंग में कोई प्रॉब्लम रहा है, या फर्स्ट प्रॉब्लम एमपीआई के दौरान पता चलता था कि उसमें फोर्जिंग क्रैक है,
और जब भी ये फोर्जिंग क्रैक आएगा पूरे के पूरे बैच में आएगा। सो आप जब लंबा लॉन्ग रन बैच चलाते हैं क्या होता है, 1000-2000 कंपोनेंट के बाद मूव करके आया शॉर्ट ब्लास्टिंग में, उसका एमपीआई में आया, जब तक आपको पता चला काफी देर हो चुकी है, बहुत बड़ा बड़ा लॉट रिजेक्शन होता है। वेर एज जब आप स्मॉल बैच में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फोर्जिंग में सिंगल पीस फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप अगर लो बैच प्रोडक्शन करते हैं लो बैच में, सो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके एमपीआई में जल्दी कंपोनेंट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट में फोर्जिंग क्रैक आ रहा है, आप क्या कीजिएगा प्रोसेस स्टॉप कीजिएगा। सो यहाँ आपका अगर रिजेक्शन या रिवर्क होता भी है तो छोटे लॉट के लिए होगा। सो प्रॉब्लम सरफेस फास्टर, बेटर क्वालिटी, आप अगर तुरंत प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपका क्वालिटी इंप्रूव करेगा। ईज ऑफ सुपरविजन, देखिए सुपरवाइजर के लिए भी, सुपरवाइजर को बहुत इजीली ब्लेम कर दिया जाता है, तुमने क्यों नहीं देखा, कैसे फोर्जिंग क्रैक आ गया, इतना इतना कंपोनेंट रिजेक्ट हुआ, उसको जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार सिस्टम है। सो आप सुपरवाइजर के लिए इजी हो गया कि जैसे वो कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता, मीन्स फोर्जिंग हुआ, वहां से शॉर्ट ब्लास्टिंग हुआ, एमपीआई हुआ, पेंट शॉप हुआ, देन मशीनिंग हुआ, मशीनिंग तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो फोर्जिंग वाले के लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आपका जो लॉट है ओके है, आप कंटिन्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये फीडबैक उनको जितना जल्दी मिलेगा उतना सुपरविजन इजी होगा। देन ईज ऑफ शेड्यूलिंग, शॉर्ट थ्रूपुट टाइम छोटा होगा तो आपको शेड्यूलिंग करने में इजी होगा। देन ईज ऑफ ट्रैकिंग, करेक्टिव एक्शन व्हेन प्रॉब्लम अराइजेस, जैसे प्रॉब्लम आता है अब वहां पे एक आदमी मिलकर प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा है, वेयर एज कंप्लीट टीम, पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है प्रॉब्लम को देखने के लिए, उसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए। सो ईज ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन, आपको आसानी से आप एक डिसीजन ले सकते हैं और उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। ये था फ्लो। अब हम लोग बात करते हैं पुल, पुल सिस्टम क्या है। देखिये जस्ट इन टाइम में हम लोग बोलते थे ना कि प्रोड्यूस राइट पार्ट इन राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। सो कस्टमर जब तक डिमांड नहीं करता है तब तक आपको कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है, इसे ही पुल सिस्टम कहा गया है। दो सिस्टम था हम लोग का, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या है, एमआरपी। एमआरपी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक मास्टर लेवल पे मीन बोर्ड लेवल पे आप प्रीवियस सम ईयर्स के जो आपका प्रोडक्शन रहा है या जो कस्टमर डिमांड रहा है उससे आप प्रोजेक्शन लेते हैं कि मेरा इस साल क्या डिमांड रहेगा, किस कंपोनेंट के लिए रहेगा, बट फ्यूचर में क्या होगा इस सिनेरियो को तो कोई नहीं जानता ना। किसी ने सोचा था क्या अचानक से कोरोना आ जाएगा? आप सोचिए, आपने प्लानिंग किया है, सब कुछ किया है, अचानक से कोरोना आ गया, आपका सारा प्रोजेक्शन धरा का धरा वहीं पर रह गया। ऐसा आगे भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ सकती है। सो पुल सिस्टम जो है वही इसका एक सॉल्यूशन है कि जब तक कस्टमर डिमांड ना हो आप कुछ भी प्रोड्यूस ना करें। जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट यही कहता है। सो पुल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पुल सिस्टम, पुल मीन्स दैट नोबडी अपस्ट्रीम शुड प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस अंटिल द कस्टमर डाउनस्ट्रीम आस्क फॉर इट। देखिए ए प्रोसेस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सपोज ए फोर्जिंग है, देन शॉर्ट ब्लास्टिंग, एमपीआई, पेंट शॉप, मशीन शॉप। यहां से आपके पास कंपोनेंट कहां गया, फाइनल कस्टमर। बट इन सब में जो रिलेशन है ये अपस्ट्रीम प्रोसेस, देखिए फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, अप से डाउन होना चाहिए ना, क्या नीचे से फ्लो हो सकता है ऊपर, नहीं। सो अपस्ट्रीम प्रोसेस जो है, मोस्ट अपस्ट्रीम प्रोसेस कौन सा होगा, फोर्जिंग। यहां से रॉ मटेरियल इंटर किया, फर्स्ट अपस्ट्रीम प्रोसेस से रॉ मटेरियल एंटर किया, ए जिसको सप्लाई करेगा बी को। सो बी का जो इंटरनल, देखिए दो तरह कस्टमर होता है, एक इंटरनल कस्टमर है, एक्सटर्नल कस्टमर।
एक्सटर्नल कस्टमर वो होता है जो फैक्ट्री के बाहर है अब आपके जो प्रोडक्ट का फाइनल यूजर है, बट फैक्ट्री के अंदर में आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं वो आपका कस्टमर है, इंटरनल कस्टमर। सो ए का कस्टमर कौन है? बी है। अब बी के लिए सप्लायर कौन है? ए है। सिमिलरली बी का कस्टमर कौन है? सी है। सी के लिए सप्लायर कौन है? बी है। सो अब स्टीम प्रोसेस से चालू होगा, ए से मटेरियल आएगा बी में, बी से आएगा सी में, सी से आएगा डी में, और डी से ई में, और ई से फाइनल कस्टमर के पास। सो ये बोलते हैं कि कोई भी अप स्ट्रीम प्रोसेस मीन्स इसके लिए अप स्ट्रीम ए हुआ, इसके लिए ए हुआ, इसके लिए ए हुआ, ए हुआ, देन ए हुआ, कोई भी अप स्ट्रीम प्रोसेस तब तक पार्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक डाउन स्ट्रीम का कस्टमर उसे उसके लिए ना कहे। मीन्स जब तक बी नहीं बोलेगा ए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक सी नहीं बोलेगा बी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक डी नहीं बोलेगा सी प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड सो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पुल सिस्टम द कस्टमर विथड्रॉज द प्रोडक्ट एंड वी प्लग द गैप क्रिएटेड देयर बाय अप्लाइंग द पुल कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। देखिए यहां गैप का मीन्स फिजिकल गैप नहीं है, यहां होता है जैसे ही पुल सिस्टम में सपोज बी मटेरियल अपना ट्रांसफर कर दिया सी को, तो बी के पास क्या कोई मटेरियल नहीं है, तो वहां एक गैप क्रिएट हुआ। इस गैप को आगे बताएंगे, इस गैप को कैसे डिनोट किया जाता है बहुत तरीके से समझा जाता है कि यहां पे गैप है। एक गैप सिग्नल देगा कि आप एक पार्ट को प्रोड्यूस कीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यू बैक योर ब्लू 2000 टोयोटा कैमरी इनटू अ पोस्ट। देखिए 2000 टोयोटा कैमरी एक टोयोटा का मॉडल है, ब्लू कलर का कार है, आप उसको चला रहे थे, अब उसको कार को जैसे रिवर्स मिली है आप एक लैंप पोस्ट से उसको एक्सीडेंट कर दिया, आपका बम्पर डैमेज हो गया। यू गो टू योर लोकल टोयोटा डीलर इनटू इंस्टॉल अ टोयोटा 2000 टोयोटा कैमरी बम्पर। आप गए टोयोटा डीलर के पास, तो भाई मेरा बम्पर लगा दो। दिस क्रिएट्स अ होल इन द डीलर्स स्टोर एरिया। देखिए कस्टमर को तो वेट नहीं कराएगा ना, उसके पास एक स्पेयर रहता है, उसने स्पेयर लगाया, आपको बम्पर दिया, आपके बम्पर कार में फिट किया और आपके कार को आपको हैंड ओवर किया। अब डीलर के पास क्या था, स्टोरेज एरिया में जो एक बम्पर था वो बम्पर तो निकल गया, वहां आप सेल्फ खाली हो गया, दैट इज अ सिग्नल ऑफ होल। मीन्स एक होल क्रिएट हो गया कि आपके पास ए पार्ट अब नहीं है, आपको तुरंत इस जगह को फिल करने की जरूरत है। द होल जनरेट्स अ सिग्नल टू द लोकल टोयोटा पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पीडीसी, प्लीज सेंड अस अ ब्लू 2000 टोयोटा कैमरी बम्पर टू रिप्लेस द वन दैट वी पुट ऑन द कस्टमर्स का। अरे पीडीसी के लिए क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया कि भाई हमको जल्दी से एक पार्ट दो, क्योंकि मेरे पास जो था हम कस्टमर में फिट कर दे कस्टमर के कार में। पीडीसी सेंड अ रिप्लेसमेंट बम्पर टू द डीलर एंड अ सिग्नल अपस्ट्रीम टू द पार्ट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पीआरसी। देखिए अब डीलर को क्या हुआ, पीआरसी जो था, पीडीसी जो था, उसने बम्पर किसको भेज दिया, डीलर को। तो डीलर के पास तो मटेरियल आ गया, बट वहां पे अब एक सिग्नल होल क्रिएट कहां पे हो गया, पीडीसी में। अब वहां पर होल कहां पे क्रिएट हो गया, पीडीसी में। सो पीडीसी अब सिग्नल देगा पीआरसी को कि मेरा पास एक होल जनरेट हुआ है, आप तुरंत इसको रिप्लेनिश करें। पीआरसी क्या करेगा, मटेरियल देगा पीडीसी को, अब पीआरसी में एक होल जनरेट हो गया, समझ रहे ना इस होल का क्या मतलब है। देन होल इन पीआरसी गिव्स अ सिग्नल टू मैन्युफैक्चरर टू क्रिएट अ बम्पर ब्लू 2000 टोयोटा कैमरी बम्पर। देखिए मॉडल कलर, अब ब्लू कलर के कार में आप रेड बम्पर तो नहीं फिट कर सकते हैं ना, तो सेम मॉडल सेम कलर उस बम्पर की आपको एक होल जनरेट हुआ पीआरसी में, पीआरसी ने सिग्नल दिया मैन्युफैक्चरर को। देन द बम्पर मैन्युफैक्चरर शेड्यूल अ प्रोडक्शन टाइम टू मेक द ब्लू बम्पर।
देन मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि अब इसकी जरूरत, मीन्स उसके लिए इंटरनल कस्टमर था पीआरसी मैन्युफैक्चरर के लिए, कस्टमर ने आस्क किया है कि आप एक बंपर बनाओ, देन मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि मुझे कब ये बंपर बनाना है, एक स्लॉट प्रोडक्शन स्लॉट डिसाइड करेगा। सो आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, बिलो शो फिगर बिलो शोज द थ्री पुल लूप्स बिटवीन द बंपर मैन्युफैक्चरर एंड द डीलर। देखिए नीचे से आइए, टोयोटा डीलर ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, टोयोटा पीडीसी को कि मेरा भाई कस्टमर को मैंने फिट कर दिया बंपर, मुझे एक बंपर की जरूरत है ब्लू कलर की। टोयोटा पीडीसी ने क्या किया, मटेरियल दे दिया टोयोटा डीलर को, एंड इंफॉर्मेशन किसे दिया, टोयोटा पीआरसी को। देख रहे जो लाइट एरो है वो इंफॉर्मेशन है, जो थिक एरो है वो मटेरियल मूवमेंट है। देन टोयोटा पीडीसी ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, टोयोटा पीआरसी को कि भाई मेरा मटेरियल जो है मैंने टोयोटा डीलर को दे दिया है, आप मुझे मटेरियल दो। तो टोयोटा पीआरसी क्या करेगा, मटेरियल देगा टोयोटा पीडीसी को, एंड इंफॉर्मेशन किसे देगा, बंपर मैन्युफैक्चरर को कि आप एक बंपर मैन्युफैक्चर करो, और बंपर मैन्युफैक्चरर मटेरियल किसको सप्लाई करेगा, टोयोटा पीआरसी को। सो ये लूप कंटिन्यू चलते रहता है। यहां देखिए, अब आपका जो बोर्ड में है बैठे हुए लोग हैं, उन्हें ये नहीं सोचना है कि किस मॉडल का कितना डिमांड आएगा, जैसे ही नीचे में एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन हुआ, मैन्युफैक्चरर तक मीन्स इंफॉर्मेशन आ गया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। एक खासियत है पुल सिस्टम का, वेल विदाउट द पुल सिस्टम द डीलर वुड हैव टू कैरी लार्ज पार्ट्स स्टोर। अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो डीलर को क्या करना होगा, उसे पता नहीं उसे कितना दिन में मटेरियल मिलेगा, वो क्या करेगा, एक लार्ज पार्ट्स स्टोर को हैंडल करेगा जिसमें सारे मटेरियल्स के सारे मॉडल्स के कई सारे कंपोनेंट होंगे। The PRC and PDC would have had to carry immense warehouse, बहुत बड़ा बड़ा warehouse रखना होगा for stocking large inventory with the associated muda and high cost. देखिए मैंने 3M के समय या 8W के समय बताया है कि ओवर प्रोडक्शन या इन्वेंट्री सबसे बड़ा लॉस है। पहला आप एक warehouse बना रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, आपका material पड़ा हुआ है, अगर उसका कोई सेल नहीं है उसमें जो खर्च हुआ बनाने में वो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, अदरवाइज आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको इंटरेस्ट आता या प्रॉफिट आता। प्लस कन्वेयंस मुडा इससे जुड़ा हुआ है, आप सामान देखने के लिए मैन पावर लगाए हैं, सिक्योरिटी है, वेयर हाउस स्टोर में आदमी है, तो जितना टाइप का भी खर्च आप कर रहे हैं वो सब क्या है, वेस्ट है। नॉर वुड दिस हैव इंश्योर्ड क्विक डिलीवरी, और इससे ये भी इंश्योर नहीं होता कि आप क्विक डिलीवरी कर पाएंगे क्योंकि पार्ट सर्चिंग टाइम भी ज्यादा होगा। The larger the warehouse, the harder it is to keep track of parts. जितना बड़ा स्टोर होगा पार्ट्स को ट्रैकिंग करना और उसे सप्लाई करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। If your bumper were a custom order, you probably would have had to wait several weeks for the bumper manufacturer to make one and the system to deliver it to the dealer. अब देखिए कस्टम मेड जो होता है ना, मीन्स जो स्टैंडर्ड पार्ट्स नहीं है उसके लिए ऑलवेज मैन्युफैक्चर लॉन्ग लीड टाइम्स लेते हैं, कब उसका प्रोडक्शन शेड्यूल वो डिसाइड करेंगे। सो अगर आपका पुश सिस्टम है, एमआरपी सिस्टम है, तो मैन्युफैक्चर तो पहले से प्लान किया रहता है ना कि आपका कब किस मटेरियल के लिए किस मॉडल के लिए स्टॉक लेना है। सो कस्टम प्रोडक्ट की बिक्री कम होती है या उनकी वेराइटी बहुत ज्यादा होती है, कम क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होते हैं फॉर द ईच वेराइटी, सो उसका लीड टाइम ऑलवेज ज्यादा है होता है ट्रेडिशनली। बट पुल सिस्टम में क्या है, वो स्टैंडर्ड पार्ट है या कस्टम पार्ट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। जिस पार्ट के कंजम्पशन हुआ है, जिस ऑर्डर में कंजम्पशन हुआ है, उस ऑर्डर में उस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। सो आपका लीड टाइम क्या होता है, कम होता है। द मनी फ्रीड अप बाय द पुल सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय द डीलर टू इन्वेस्ट इन फॉर मोर रिपेयर बैग्स, बेटर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी ऑफ शॉप मशीन्स। देखिए जो डीलर जिस पैसे को खर्च कर रहा था स्टॉक करने में, मैंने बताया अगर आप स्टॉकिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, तो जो बेनिफिट हुआ उससे जो पैसे बचे हैं उससे डीलर ये सब काम कर सकता है। सिमिलरली द मनी सेव्ड बाय द पीडीसी एंड पीआरसी कैन बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन द कंपनी फर्दर
or to improve the bottom line. Clear? So what are the advantages of pull system? First है, reduce operating expenses. जैसे ही आपका inventory कम हुआ, आपका operating expenses तो कम हो ही जाएगा. मैं यहाँ work in process and finished good both inventory की बात कर रहा हूँ. We are not ordering as much raw material or making as much work in progress and finished good inventory. हम लोग raw material को अगर जरूरत नहीं है तो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं. तो आपका पैसा जो फ्रीज हो रहा था वो अभी क्या है, ओपन है. आप उसको और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं. अगर आप उससे फ्रीज कर देते हैं रॉ मटेरियल खरीद के भी, आप उससे प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड इन्वेंट्री बनाते हैं और पार्ट सेल नहीं होता है, तो आपका पैसा तो फ्रीज होकर रह गया ना, सिस्टम में लॉक हो गया. तो इससे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है. So reduce operating expenses, improves ergonomics. जैसे ही आपका inventory कम होगा, आपका ergonomics improve होगा. कैसे? Parts bins are not as big or numerous, so there is a less heavy lifting. Batch production में हम लोग क्या करते हैं, push system में बड़े बड़े means lot में हम लोग part को produce किए, उसको रखने के लिए बड़े बड़े bin का use कर रहे हैं और लार्ज बिन को हम लोग मूव कर रहे हैं. अब उसकी जरूरत है क्या? नहीं है. फ्लो में तो है ही नहीं. पुल सिस्टम में आप एक पीस पे फ्लो खड़ा सकते हैं. इंप्रूव्स क्वालिटी. डिफेक्ट्स आर नॉट रिप्रोड्यूस्ड इन लार्ज बैचेस एंड आर इजियर टू कैच क्विकली. मैंने फोर्जिंग के एग्जांपल लेके बताया था. लार्ज बैच में आप प्रोड्यूस किए, एमपीआई में जब जॉब चेकिंग हुआ तो पता चला उसमें फोर्जिंग क्रैक था, पूरा का पूरा लॉट बर्बाद हो गया. क्या है वेस्ट है? अगर आप उसे स्लाइड क्रैक भी है तो उतना का सारा कंपोनेंट में आप रिवर्ट कर रहे हैं, कितना हाई कॉस्ट एसोसिएटेड है इससे. सो इंप्रूव्स क्वालिटी. नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फ्लो टाइम इन अकॉर्डेंस विथ लिटिल्स लॉ. देखिए लिटिल्स लॉ क्या बोलता है, थ्रूपुट इनटू फ्लो टाइम इज इक्वल टू इन्वेंट्री. सो आपको इन्वेंट्री आपका कितना होगा, इट डिपेंड करता है थ्रूपुट टाइम में एंड फ्लो टाइम में. देखो फ्लो टाइम क्या है, किस रेट से मटेरियल सिस्टम में इन या आउट हो रहा है. और एक कौन डिसाइड करता है, अगर पुल सिस्टम में तो कस्टमर डिसाइड करता है. सो कस्टमर कैसे, अगर आपको 500 जॉब की मींस डिमांड है, आप 500 जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट इज आपका फ्लो रेट पर आवर. एंड थ्रूपुट मींस एक कंपोनेंट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक कन्वर्ट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है सिस्टम के अंदर, कंपोनेंट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनने के लिए जो भी टाइम लगता है विद इन द सिस्टम, जो टाइम में मटेरियल सिस्टम के अंदर में रहता है वो आपका थ्रूपुट टाइम है. इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था बैच प्रोडक्शन में, याद होगा कार्ट के साथ. कार्ट का पहले बॉडी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, व्हील मैन्युफैक्चरिंग हुआ, देन पेंट शॉप हुआ, पेंटिंग हुआ. सो बैच प्रोडक्शन में उसका थ्रूपुट टाइम था 21 मिनट, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट 21 मिनट के बाद निकला. वेयर एज सिंगल पीस फ्लो में 3 मिनट्स. सो दैट इज थ्रूपुट टाइम. सो आपका अगर थ्रूपुट टाइम ज्यादा होगा और फ्लो टाइम जो कस्टमर डिपेंडेंट है, अगर आपके सिस्टम में तो फ्लो टाइम और ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कस्टमर को 500 के रेट से चाहिए या 600 के रेट से. हो सकता है आप 1000 के रेट से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जॉब को. सो थ्रूपुट टाइम भी ज्यादा होगा कन्वेंशनल प्रोसेस में एंड फ्लो टाइम भी ज्यादा होगा. जब दोनों ज्यादा होगा तो इन्वेंट्री ऑलवेज ज्यादा होगा. हम लोग को इन्वेंट्री कम करना है, बट वो कम करने के लिए क्या कम करने की जरूरत है? सो थ्रूपुट टाइम एंड फ्लो टाइम. एंड थ्रूपुट एंड फ्लो दोनों कैसे कम होगा, फ्लो एंड पुल से. सो यहां हम लोग लेक्चर 13 को समाप्त करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट इन टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कानबान. बहुत ही बड़ा टूल भी है. मैं कोशिश करूंगा इसे दो लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए. तो एकदम मिस मत कीजिए, साथ बने रहिए. और अभी तक साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कानबान सिस्टम के बारे में.